एमसीडी पोर्टल बंद होने से पूर्वी दिल्ली की जनता भी परेशान नहीं हो पा रहा, एमसीडी से जुड़ा कोई भी काम, पूर्व मेयर ने एमसीडी पर उठाए सवाल। स्कूलों में दाखिले को लेकर अभिभावक हो रहे परेशान, स्कूलों से नहीं मिल पा रही सही जानकारी, अभिभावकों को काटने पड़ रहे हैं स्कूलों के चक्कर। गांधीनगर में स्कूल के बाहर है ओवरफ्लो की समस्या, गंदे पानी से निकलकर जाते हैं स्कूली बच्चे, शिकायत देने पर भी नहीं हुई सुनवाई। पूर्वी दिल्ली के पार्कों में नहीं मिल रहा पीने का पानी, पार्कों में लाइट्स भी पड़ी है खराब, जनता का कहना रात में होते हैं गलत काम। नवरात्रों को लेकर पूर्वी दिल्ली में दिखने लगी रौनक, मंदिरों को भी नवरात्रों के लिए सजाया गया, मंगलवार से शुरू हो रही है चैत्र नवरात्रि। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजन लाइव, मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। एमसीडी का पोर्टल रुक जाने से हाउस टैक्स डेथ सर्टिफिकेट के कामों पर रोक लग गई है, इसी को लेकर पूर्वी दिल्ली के पूर्व मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल और पूर्वी दिल्ली के पूर्व डिप्टी मेयर महेंद्र आहूजा से बात की। दोनों ने दिल्ली सरकार की एमसीडी पर तंज कसे और कहा कि 10 अप्रैल तक सुविधा रोकने से जनता को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और सरकारी दस्तावेज जनता के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर पोर्टल में बदलाव करने हैं तो सुविधा चालू रखते हुए करने चाहिए, नहीं तो जनता परेशान होती है, अधिकारी नहीं। आपको बता दें कि डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, हाउस टैक्स और एमसी दफ्तर से रिलेटेड सारे ऑनलाइन काम अभी बंद हैं। देखिए, सरकारी किसी भी संस्था में जन उपयोगी पोर्टल बंद होने से जनता को बहुत असुविधा होती है, ये नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की सरकार और उनकी मेयर केवल राजनीति करती रहती हैं और जनता को कैसे सेवाएँ दी जाए इसकी चिंता नहीं करते हैं। मेरी जानकारी में आया कि 10 अप्रैल तक के लिए ये चीज़ें अपहेल्ड की गई हैं, कहा यह जा रहा है कि इनको अपडेट करना है और अपग्रेड करना है, लेकिन प्रेजेंट सिस्टम को चलते चलते नए सिस्टम को लाया जाना चाहिए। जनता की असुविधा के लिए एमसीडी कमिश्नर को और वहाँ की मेयर को खेद प्रकट करना चाहिए और जनता को बताना चाहिए कि कब से ये सेवाएँ शुरू होंगी और क्यों बंद है। जनता को भ्रमित रख के कोई सरकार नहीं चलाई जानी चाहिए, एमसीडी भी नहीं चलाई जानी चाहिए। पिछले काफ़ी दिनों से एमसीडी की पोर्टल सेवाएँ बंद हैं, जिनसे जो लोग ट्रेड लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, फैक्ट्री लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, अपना हाउस टैक्स जमा करवाना चाहते हैं, यहाँ तक कि जो लोग अपनी म्यूटेशन कराना चाहते हैं जो कि रजिस्ट्रार के माध्यम सीधी हो जाती है, वो भी नहीं हो पा रही। पैसा जमा हो जाता है लेकिन म्यूटेशन नहीं हो पा रही। ऐसे समान बहुत सी दिक्कतों का सामना सभी को करना पड़ रहा है, जो कि बड़े दुख की बात है। एमसीडी में बैठे अधिकारी इसको इसकी तरफ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, जो मेयर महोदय उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है और इसकी आड़ में बहुत ही अवैध धंधा चल रहा है। सरकारी स्कूलों में क्लास 6 से 9 के दाखिले के लिए पंजीकरण शुरू हो गए हैं, इसी का जब पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार और विश्वास नगर स्कूल में हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने जायजा लिया और कुछ अभिभावकों से भी बातचीत की तो उन्होंने बताया कि उनको सही से जानकारी स्कूल प्रशासन नहीं दे रहा है और इधर से उधर उन्हें चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, ऐसे में अभिभावक बहुत परेशान है। उन्होंने बताया कि उनको ठीक से जानकारी नहीं मिल पा रही है। एक ने तो यह भी कहा कि स्कूल प्रशासन ने बोला है कि सरकारी वेबसाइट पर आप जाकर देखो क्या क्या सुविधा उपलब्ध है। पूरी एडमिशन की प्रक्रिया अभी बोल रहे थे स्टार्ट होने वाली है, 15 तारीख बताया है जो नोटिस आया इनकी तरफ से कि, लेकिन अभी लगता नहीं कि इतनी जल्दी स्टार्ट हो पाएगी। कितनी दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत तो बहुत हो रही है, रोज़ चक्कर काट रहे हैं स्कूलों के काफ़ी, अभी लोग 2-3 लोग तो वापस भी गए पता कर करके, तो ये प्रॉब्लम तो है ही सभी के लिए। ये सर, मैं सूरजमल विहार स्कूल में आया हूँ, हमारा बच्चा 5वीं में था तो 6ठी क्लास में एडमिशन कराया इसका हमने, तो आज पहली बार हम इसको लेकर आए हैं स्कूल में, पता करना है कितने बजे से क्लास स्टार्ट है, कौन सा रूम है। लेकिन अभी स्कूल वाले बता रहे हैं अभी कि 1 बजे से एंट्री होगी, तब उसके बाद ही कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अभी नहीं दे रहे, क्योंकि स्टाफ ही जो बच्चों का स्टाफ है जो 6th क्लास वाला, वो 1 बजे आता है। सर, हम ये इन्फॉर्मेशन लेने आए थे कि किस कितने बजे से स्टार्ट होता है और कितने बजे छुट्टी होती है बच्चे की,
हमने पूछा गार्ड से कि कितने बजे एंट्री होगी, उन्होंने बताया कि 12:45 के बाद ही एंट्री होगी, 1 बजे मतलब 12:45 तो स्टाफ आएगा और 1 बजे के बाद ही बच्चे की एंट्री होगी। मैंने कहा कोई इंचार्ज नहीं है अंदर जो हमें ये इन्फॉर्मेशन दे सके कि हम कितने बच्चे को लेकर आए या नहीं आए या कितने बजे की छुट्टी होगी। बोले कि नहीं, उसके बाद ही स्टाफ आता है 12:45 के बाद ही। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर राजगढ़ कॉलोनी निगम स्कूल और दिल्ली सरकारी स्कूल के बाहर नाली और सीवर ओवरफ्लो होने की वजह से स्कूली बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्कूल के गेट के बाहर ही सीवर और नाली के गंदे पानी से गुजरना पड़ता है। इसकी कंप्लेंट कई बार स्थानीय विधायक और निगम पार्षद को दी जा चुकी है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। वहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नाली और सीवर ओवरफ्लो होने की वजह से बच्चे स्कूल टाइम से नहीं पहुंच पाए और साथ ही अतिक्रमण की वजह से भी बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। यहाँ पे आए दिन पानी भरा रहता है, नाली ओवरफ्लो हो रही है, बहुत ज्यादा पानी भरा है, आने जाने वाले गिरते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल के अंदर नहीं जा पाते और यहाँ पे जो गंदगी है उससे डेंगू और मलेरिया वगैरह के मच्छर भी हो रहे हैं, जिससे बहुत भयानक बीमारी फैलने वाली है। काफ़ी टाइम से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें परेशान कर रही है और बहुत ज़्यादा परेशानी है, पूरे सिविल जाम है, पूरे रोड पर पानी है। पूर्वी दिल्ली के पार्कों की हालत बेकार तो थी ही, लेकिन बढ़ती गर्मी में और ज्यादा बेकार होती जा रही है। हम आज बात कर रहे हैं गीता कॉलोनी स्थित पार्क की, जहां गंदगी का अंबार है। एक तरफ पतझड़ के कारण गंदगी फैली हुई है, वहीं दूसरी तरफ लोगों ने यहां घर का कूड़ा कचरा भी लाकर डाला हुआ है। साथ यहां कई बेंचों की हालत भी खराब है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि शाम के समय यहाँ असामाजिक तत्व नजर आते हैं, महीनों तक कोई सफाई करने नहीं आता है, लाइट्स भी खराब रहती है, जिसकी आड़ में गलत कामों को अंजाम दिया जाता है। जब संवाददाता विवेक पठानिया ने पार्क का जायजा लिया तो पाया कि ना पीने के पानी की व्यवस्था है, ना गर्मी में बैठने की ठीक जगह। देखिए, ये पार्क जो है, इस पार्क के अंदर बड़े बड़े देख तो गड्ढे हो रहे, चूहों ने अपना घर बना रखा है। दूसरा, इस पार्क के अंदर बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं है, के जो गड्ढे जो जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं इनको भी कराना चाहिए ठीक, लाइटिंग वगैरह कुछ। रात को इसमें बैठते हैं, यहाँ पर रात को यहाँ पर उल्टे सीधे काम करें असामाजिक तत्व, यहाँ पर आकर रात को बैठते हैं। गार्ड नहीं है, कोई चौकीदार नहीं है, कोई माली नहीं है। माली अगर है तो दूसरे पार्कों में होगा, उठा के आके साफ सफाई कराए माली से। यहाँ पर ये तो एक पार्षद का काम है। यहाँ की जनता देखिए बहुत परेशान है, यहाँ के लोग, आसपास के लोग, कितनी बार हम लोगों से कहते हैं कि यहाँ पर बैठने की सुविधा नहीं है। बेंचेस भी लगा रखे हैं दिल्ली सरकार ने। एमसीटी का पार्क, पार्षद को भी तो कुछ करना चाहिए। पार्क है, आप देख रहे हैं कैसे बड़े बड़े गड्ढे हैं, न बैठने की जगह ढंग से है, सारे साफ सफाई नहीं है और यहाँ पे इतनी गंदगी है, कोई सफाई के लिए कोई कर्मचारी आता नहीं है, कभी नहीं होती है। यही मिलेंगे गड्ढे गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे, और क्या दिखेंगे, बड़े बड़े गड्ढे दिखेंगे। यहाँ के जो पार्षद हैं उनको ये काम तो करवानी चाहिए। बहुत रात को बैठते हैं, नशेरी गंजेरी, गांजा पीते हैं, अफीम गांजा ये सब चलते हैं यहाँ पे, सारे बोतल यहाँ पे। पहले तो पार्क के यहाँ मरम्मत होनी चाहिए ढंग से, गड्ढे भरे जाना चाहिए, तब लोग आएंगे, सोसाइटी लोग बैठेंगे यहाँ पे, महिलाएं आएंगे बैठेंगे। बिल्कुल डर लगता है, इसमें के सामने कोई आएगा, बदतमीजी करते हैं वो, छिड़काने कोई पानी का छिड़काव नहीं। देखिए ना, पूरे ऐसे ही पड़ा हुआ है, गड्ढे गड्ढे, मोटे मोटे गड्ढे हैं, चूहे हुए हैं सारे इस पार्क में। चैत्र नवरात्रि को लेकर पूर्वी दिल्ली में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंगलवार से शुरू हो रहे नवरात्र पर्व पर मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। आपको बता दें कि मंदिरों में विशेष साफ सफाई पर भी जोर दिया गया है। मंगलवार को पूर्वी दिल्ली के सभी मंदिर माता के जयकारों से गूंजेंगे। जब हमारे संवाददाता ने पंडित जी से बात की तो उन्होंने बताया कि आकर्षक फूलों से सजावट की जा रही है, साथ ही श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए एक अलग से मार्ग भी बनाया जा रहा है। पूर्वी दिल्ली की जागृति एनक्लेव मंदिर में चैत्र नवरात्रों की शुरुआत मंदिर समिति जोत जलाकर करती है। सजावट प्रारंभ हो गई, भाई 2 दिन हो गए और ताज़ा फूल लगा करके, वैसे भी रेडीमेड वाले, और बहुत सुंदर सजावट हो रही है और कल से माँ की कृपा सभी प्राप्त करेंगे। ये नवरात्रे माँ की विशेष भक्ति होती है, वैसे तो पूरे हर समय करना चाहिए, लेकिन क्या है, ये नवरात्रे माँ के 9 दिन ये भक्तों की विशेष पूजा के लिए है, सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते, क्योंकि इतनी भक्ति हमेशा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन 9 दिन माँ के लिए लिखा करके और सारी संसार की, इस लोक की, परलोक की सारी व्यवस्था माँ की भक्ति से मिल जाती है। पूजा को जैसे पूजा तो वही आम पूजा है, और जौ का ये क्षेत्र जो बोते हैं, इसको जौ को भिगो करके बालू या मिट्टी में मिला करके और कलश की स्थापना होती है, क्योंकि कलश के बारे में आप सब जानते हैं, क्योंकि अमृत कलश मानते हैं,
तो उनका स्थापन करके और तब प्रारंभ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर स्थित शिवम विहार में पड़ोसी के कुत्ते ने छात्रा को काट लिया। हमले के दौरान 22 साल की जया बुरी तरह से जख्मी हो गई। उसने बड़ी मुश्किल से पड़ोसियों की मदद से खुद को छुड़ाया। बाद में जख्मी हालत में पीड़ित जया को गुरु तेग बहादुर अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। पुलिस ने जया का बयान लेकर कुत्ते की मालकिन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इससे पहले भी कुत्ते ने पड़ोस में रहने वाले 14 साल के किशोर घनश्याम को काट लिया था। उस समय समझौता कर मामले को रफा दफा कर दिया गया था। पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि जया बीए में पढ़ती है। जया ने पुलिस को बताया कि सुबह वह दूध लेने के लिए घर से निकली थी। गली में निकलते ही पड़ोस में रहने वाली रानी महिला के कुत्ते ने अचानक उस पर हमला कर दिया। यहाँ पे उस लड़की की हड्डी भी निकल जाए, पैर खराब हो जाता है इतनी बड़ी लड़की का। क्या करती हो, उसने इसकी साइकिल का टायर फाड़ दिया। और मान लो अगर इसके इन लड़के का टांग पकड़ लेता, लड़के की टांग फाड़ देता, वो तो मुंह पकड़ लेता तो क्या हाल होता बताओ। इस पोती का मेरी का एक पोती मेरी कितनी सीधी मेरी पोती है, बस दूध की डोलची लेकर जा रही थी, बस पीछे से इसने ऐसी टांग पकड़ी मेरी पोती। अलविदा जुम्मे के बाद ईद को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। कपड़ा, जूता, चप्पल, सेवई समेत त्योहार से जुड़ी कई सामान की खरीदारी लोगों ने शुरू कर दी है। ईद की रौनक दुकानों और बाजारों में दिखने लगी है। ऐसा कुछ माहौल मुस्लिम बहुत इलाकों में भी देखने को मिला, जहाँ ईद को लेकर तैयारियां की जा रही है। जहाँ बुजुर्ग, नौजवान तथा बच्चों में ईद के लिए भारी उत्साह देखने को मिला। मुस्लिम महिलाएं घर की साफ सफाई और सजावट करती नजर आई। दुकान में सेवइयों के साथ साथ कपड़े और जरूरत के सामान का इंतजाम किया जा रहा है। शाम को इफ्तार के बाद लोगों की भीड़ बाजारों में देखने को मिल रही है। सेवई के साथ साथ दुकानों में ड्राई फ्रूट्स की बिक्री में भी तेजी आ गई है। जब हमने ईद की तैयारी को लेकर जनता से बात की तो उन्होंने बताया कि बाजार में शाम के वक्त रौनक बढ़ने लगी है, लेकिन कारोबार में मंदी है और ईद पहले की तरह ही मनाई जाएगी। मस्जिदों में ईद की नमाज के लिए भीड़ न रहने, इसीलिए ज्यादातर इलाकों में सुबह 7:30 बजे से 9:30 बजे तक ईद की नमाज अदा की जाएगी। जिस प्रकार से मनती है हमेशा उल्लास के साथ बनती है, और इस बार भी उल्लास के साथ ही बनेगी, बहुत अच्छी तरीके से बनेगी। जो रौनक आज से 15-20 साल पहले हुआ करती थी, वो रौनक तो आज है ही नहीं, और ना लोगों में इस बात को लेकर उत्साह है, क्योंकि लोगों कारोबार नहीं है, बिजनेस ख़त्म हो चुके हैं, उनके कमाइयाँ नहीं रही, तो इसकी वजह से लोग बाग जो पहले पैसा एक तरीके से खर्च करते थे, वो उस पैसे की कमी के कारण जो है लोग बागों में मायूसी छाई रहती है। आचार संहिता से हमारे त्योहारों पे कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं, क्योंकि राजनीतिक त्यौहार तो हमारा है नहीं, हिंदू मुस्लिम हम सब लोग मिलकर त्यौहार मनाते हैं। हमने कल भी रोजा इफ्तार कराया था अपने यहाँ सीमापुरी में, उसमें सभी समाज के लोग हमारे, हमने इनको इनवाइट किया था और वो लोग हमें इनवाइट करते हैं, हम भी उनको इनवाइट करते हैं। ये अलग बात है, एक तो चुनाव है, दूसरे कुछ देश की परिस्थितियाँ ऐसी बनी हुई हैं पॉलिटिकल कि उसमें कहीं कहीं थोड़ी उदासी झलक रही है कि जो उत्साह पिछले दिनों हुआ करता था शायद उसमें कमी है। कुछ व्यापारी वर्ग भी कहते हैं कि इस बार वो माहौल नहीं है जो था, लेकिन कुल मिलाकर ईद उसी अनुसार मनेगा जिस तरह से अब तक मनाया जा रहा था। ये खुशी का त्यौहार है और खुशी बांटने का त्यौहार है, इसलिए इसको मीठी ईद कहते हैं, ताकि इसमें लोग एक दूसरे का मुंह मीठा करें, उसको गले लगाएं। मैं अपने समाज के लोगों से विनती करता हूं कि ईद के मौके पर अपने तमाम बिरादरान वतन, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, जो भी हैं अगड़े पिछड़े, सब आपके जो भी पड़ोस में रहते हैं सबको बधाई दीजिए, सबको मिठाई खिलाइए, सबको गले लगाइए, और देश में प्यार का, मोहब्बत का, भाईचारे का वातावरण बनाइए। ये जिम्मेदारी मुसलमानों की भी है, जिसकी पहल हम लोगों को करनी चाहिए, और इस बार कोशिश हम करेंगे। दिल्ली NCR में फिलहाल अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस तक बना हुआ है। फिलहाल मामूली राहत है, लेकिन माना जा रहा है कि अगले एक सप्ताह में चुनौती बढ़ने वाली है। दिल्ली ऐसे NCR, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी तापमान करीब 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। खासतौर पर दोपहर के वक्त गर्मी ज्यादा हो सकती है और बाहर निकलकर काम करने वाले लोगों को समस्या होगी। इसे लेकर हमने पूर्वी दिल्ली के डॉक्टर ग्लेडविन त्यागी और डॉक्टर गौतम से बात की, तो उनका कहना था कि उन लोगों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो बाहर काम करते हैं। उन्हें अपने साथ पानी की बोतल रखनी चाहिए और समय समय पर लिक्विड लेते रहना चाहिए, नहीं तो वह बीमार हो सकते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जैसे इस बार ठंड ज्यादा हुई थी, वैसे ही अनुमान लगाया जा रहा है कि गर्मी भी ज्यादा पड़ेगी, इसके चलते लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है।
गर्मी में जिनका काम पड़ता है बाहर निकलने का घर से, वो विशेष सावधानी बरते हैं। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपके शरीर में पानी की कमी ना होने पाए। और वो पानी की कमी कैसे दूर होगी, वो ऐसे दूर होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों का सेवन करें। जब भी अपने घर से बाहर निकलें अपनी पानी की बोतल साथ में लेके चलें। जब अगर आप मान लीजिए कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें डायरेक्ट सनलाइट में एक्सपोजर हो, तो अपने ऊपर गीला कपड़ा बार बार करके अपने सर के ऊपर रख लें, या अपने सर पे कैप लगाएं, या बॉडी को कवर करके रखना है ताकि जो है परस्पिरेशन से बहुत ज़्यादा उसमें बॉडी का लॉस ना हो फ्लूइड्स का। तो मुझे लगता है कि ये सावधानी बरतनी होगी। प्लस इसके अलावा आपको जैसे अगर लगातार सनलाइट में आप रहते हैं तो कुछ समय रहने के बाद में एक ब्रेक लेना होगा 10-15 मिनट का, जिसमें कि आप शेड में जाके रहें या पेड़ के नीचे रहें या डायरेक्ट जो गर्म हवाएं चलेंगी उनसे बच के रहें, कूलिंग इफेक्ट जिसको बोलते हैं। तो मुझे लगता है इस तरीके की अगर सावधानियाँ बरतेंगे तो गर्मी से बच पाएंगे। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, दिल्ली में भी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशी लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों से रूबरू हो रहे हैं। श्वादा जिले के तेलीबाड़ा इलाके में आपके प्रत्याशी कुलदीप कुमार आज एक मीटिंग में पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की और बताया कि बीजेपी पार्टी संविधान बदलने के लिए 400 सीट का नारा दे रही है, बाबा अम्बेडकर साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई बताया। वहीं कुलदीप कुमार ने यह भी कहा कि बीजेपी डरी हुई है, इसीलिए ही उन्होंने दिल्ली के सीएम को जेल में डाला हुआ है। अब मुख्यमंत्री के जेल में होने के बावजूद भी पार्टी को फायदा हो रहा है, बीजेपी इससे भी बौखलाई हुई है। मीटिंग में पहुंचे अध्यक्ष रामनिवास गोयल का कहना था कि यह चुनाव बीजेपी वर्सेस इंडिया अलायंस का चुनाव है, जिसमें इंडिया अलायंस जरूर बहुमत हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने अब केवल मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया उसको लेकर सब लोगों को बहुत रोष है, और लोग अब की बार अपने बीच का अपना भाई अपना बेटा जो उनके सुख दुख के साथ खड़ा रहता है उसको सांसद बनाना चाहते हैं। अब की बार बाहर से आए हुए लोगों को यहाँ से जो उनका फ्लाइट आई हुई है उस फ्लाइट का क्रैश कराना है ऊपर, और अब की बार इस दिल्ली से आम आदमी पार्टी के को जिता के भेजना है ताकि दिल्ली के लोगों के उनके हक और अधिकार की लड़ाई हम लड़ सकें। इंडिया गठबंधन वर्सेस हिटलर शाही चुनाव है, और जब भी हिटलर शाही से लड़ाई हुई है लोकतंत्र जीता है, हम जीते हैं। आज के इस बुलेटिन में बस इतना।